एक और फैक्टर सर लोग लिख रहे हैं इस काफी 13388 वोट नोटा पे पड़े हैं, तो ये नोटा तो नहीं कोई खेला होबे वाला गेम खेल गया कहीं। इस पर सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि ऐसा क्या कारण है जो इतना, उसके पीछे कई कारण है, स्वर्ण समाज का भी आह्वान था, रोजगार संघ का, कई कर्मचारी संस्थाओं का था, क्योंकि भाजपा को मंडी के अलावा कहीं लीड नहीं मिली है, मंडी जिले के अलावा। ऊपर से चलिए लाहौल स्पीति से, उसमें भी नाचन एक ऐसी जगह जहां कांग्रेस को लीड आ गई। यस, और नाचन हैरानी की बात है, नाचन मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा का पड़ोसी है। बीजेपी हाईकमान देख रहा होगा दिल्ली में, नड्डा जी देख रहे होंगे, अमित शाह जी देख रहे होंगे, क्या लगता है कि कुछ फिर बदल हो सकता है और दूसरा ग्रुप भी एक्टिव हो गया इस टाइम? सभी को चौंका है, कांग्रेस को ना ही उतना बड़ा झप्पी दी है जादू की कि आप राजा बन गए हो, और भाजपा को भी ऐसा सबक सिखाया है कि उन्हें सत्ता से उतरकर नीचे जमीन पर टो लेनी होगी कि उनका 4 लाख वोट वो कहां गया जो पिछली बार उन्होंने जीत के दावे के साथ लाया था। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी शॉप नंबर 13 एंड 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, पावर्ड बाय रिफ्रेश मैट्रिसेस, इंडियाज नंबर 1 कस्टमर सेटिस्फेक्शन ब्रांड विद 99.5% सेटिस्फाइड कस्टमर्स। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल इलेक्शन रिपोर्ट में। जैसे कि आपको पता ही है, सत्ता का सेमीफाइनल नाम से हमने एक इलेक्शन की पूरी रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें बीच में पंकज सर विश्लेषण करने हमारे साथ बैठते थे, और जो विश्लेषण हम लोगों ने किया था, पंकज सर की कई बातें जो है आपने बहुत ही सर खतरनाक भविष्यवाणी की थी, और जो 5 सीटें आपने कहा था कि 5 जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी उन पर नज़र रखनी है, उन्होंने आज पूरा गेम पलटा है। और साथ ही साथ एक बार विनोद कुमार भावुक जी भी थे हमारे साथ, तो अगर वो देख रहे हैं हमारा ये शो तो उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, आज वो किसी कारणवश आ नहीं पाए। तो पंकज जी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ से किसको कितनी लीड मिली, थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे मंडी, अभी सर मंडी का विश्लेषण करेंगे, बाकी 3 विधानसभा क्षेत्रों का करने लग जाएंगे तो बहुत लंबा शो चला जाएगा। और मैं आपको एक बार बता दूं कि हम इस वक्त बैठे हैं रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट शॉप नंबर 13-14, उन्हीं की शॉप के साथ में बैठे हुए हैं, आपको दिख रही होगी थोड़ी सी फ्रेम में शॉप उनकी। और आज धनतेरस है तो अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की, और जमकर जो है गोल्ड और सिल्वर और जो ज्वेलरी की आपको पता है धनतेरस के दिन खरीदारी की जाती है, तो पूरा माहौल एकदम टाइट है यहाँ पे भी। तो कांग्रेस का जश्न की ये जो साउंड है हमें आ रहे हैं, बहुत ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कुछ ही देर में प्रतिभा सिंह भी पहुँचने वाली है यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए। और पंकज जी से अब शुरुआत करते हैं सर, मतलब क्या हुआ सर, मतलब 4 में से 4 3 तो हम लोग जब चर्चा करते थे कई पत्रकार और सर तो बोलते थे 3 विधानसभा का तो है, बट मंडी का वो फंसा हुआ था गेम थोड़ा मंडी, लेकिन ऐसा लगता था कि ब्रिगेडियर साहब के पाले में जा सकती है, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। देखिए, चुनाव है, चुनाव में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना बहुत घातक होती है, क्योंकि जनता का था कोई नहीं पा पाता आज तक, कभी भी एक हिट फिल्म बनाने का फार्मूला और चुनाव को जीतने का फार्मूला जो है वो अभी तक फिक्स नहीं निकला है। हर बार कोशिश होती है किसी ट्रेंड पे चलने की, किस ट्रेंड पे जीत मिलेगी, लेकिन नहीं। एक बार फिर से इस पूरे चुनाव में कांग्रेस भाजपा की हार पर नहीं, मैं निश्चित कहूँगा जनता की जीत हुई है, और जनता ने इस नतीजे से सभी को चौंकाया है, कांग्रेस को ना ही उतना बड़ा झप्पी दी है जादू की कि आप राजा बन गए हो, और भाजपा को भी ऐसा सबक सिखाया है कि उन्हें सत्ता से उतरकर नीचे जमीन पर टो लेनी होगी कि उनका 4 लाख वोट वो कहां गया जो पिछली बार उन्होंने जीत के दावे के साथ लाया था। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्या लगता है कि ये जो रिजल्ट है ये कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है कि भाजपा के अगेंस्ट ज़्यादा है, कि भाजपा से जो लोग की नाराजगी थी तो वो उतारी है? मुझे लगता है कि ये भाजपा के पक्ष में नाराजगी ज़्यादा नज़र आ रही है। कांग्रेस ने हालांकि प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस का प्रयास उतना मजबूत नहीं था जितना लोगों के दिलों में एक जो एंटी इनकम्बेंसी जो बन गई थी, लोगों ने मुझे लगता है एक मत पहले बना लिया था, जो एक खामोशी ओढ़ रखी थी जनता ने, तो मुझे लगता है कि भाजपा को कहीं ना कहीं आत्म परीक्षण की जरूरत इसके बाद ज़रूर है। बिल्कुल, कि इतना बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन और इतना मजबूत हर बूथ पर उनकी पकड़, लेकिन मैंने कहा जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। और सीएम साहब ने अभी बयान भी दिया कि हार को स्वीकार करते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो खेल कर गया है इसमें। देखिए, मुद्दों से भागने की बहुत कोशिश की भाजपा ने, और वो चुनाव में कामयाब भी रही कि भाजपा ने कभी भी कांग्रेस को मुद्दों का सेंटर स्टेज पर नहीं आने दिया, लेकिन जनता बहुत चतुर है,
जनता ने अपना सेंटर स्टेज नहीं छोड़ा, जनता के जो मुद्दे थे उन्हीं पे चुनाव हुआ, उन्हीं पे वोट हुआ और उन्हीं पे ये फैसला आया। सर थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी मंदी पार्लियामेंट्री में, उसमें से हम देख रहे हैं कि 9 में कांग्रेस आगे थी और ज़्यादातर जो हमने कहा था कि अपर बेल्ट जो है वहाँ से उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, तो भरमौर, लाहौल स्पीति, मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी और साथ ही साथ नाचन सर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहूँगा, नाचन और साथ ही साथ रामपुर और किन्नौर, ये तो चलो गढ़ है उनके, तो यहाँ से कांग्रेस को लीड मिली है। और साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात करें तो करसोग, सुंदरनगर, सिराज, दरंग, जोगिंदरनगर, मंडी और बल और साथ ही साथ सरकाघाट, हालांकि सरकाघाट में इनिशियल उसमें बड़े मतलब बीजेपी काफ़ी पीछे चली थी, बोले एंड के उसमें वहाँ पे आ गई। आपके पास यदि सीट है इसको बड़ी गहराई के देखिए, मुझे लग रहा है ये चुनाव मंडी वर्सेस रेस्ट हो गया था, क्योंकि भाजपा को मंडी के अलावा कहीं लीड नहीं मिली है, मंडी जिला के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऊपर से चलिए लाहौल स्पीति से, उसमें भी नाचन एक ऐसी जगह जहां कांग्रेस को लीड आ गई। यस, और नाचन हैरानी की बात है, नाचन मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा का पड़ोसी है और पड़ोसी आपको छोड़ गया लेकिन बाकी मंडी ने उतना साथ नहीं छोड़ा। इतने मुझे लगता है इसमें मुख्यमंत्री का फैक्टर बहुत काम किया है, जो मंडी को जोड़ के रखा, निश्चित तौर पे यहाँ से लीड आई है नाचन को छोड़ के, लेकिन ये मुकाबला मंडी बनाम अदर जो बना उसके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा की रणनीति ही जवाबदेह है। जो मुख्यमंत्री का नारा था कि मंडी हमारी है, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने उसमें संशोधन भी किया कि मंडी का मेरा मतलब भरमौर से लेकर के किन्नौर तक पूरी मंडी की बात है, लेकिन इसको कांग्रेस ने अलग मुद्दा बनाते हुए मंडी बनाम अदरक कर दिया और उसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री के नज़दीकी, देखिए हमारा मानना था कि मुख्यमंत्री के सराज की अगर बात करें तो सराज तकनीकी रूप से बंजार का हिस्सा, आनी का हिस्सा, ये सब एरिया जो पहाड़ी करसोग वगैरह ये भी प्रभाव क्षेत्र माने जाते थे मुख्यमंत्री के, लेकिन जब बात मेरा मंडी की आ गई तो मुझे लगता है उसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को हुआ है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वीरभद्र सिंह, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है ट्राइबल बेल्ट में, उसका पूरा असर नज़र आया, चाहे उसे श्रद्धांजलि वोट कहें हम या वीरभद्र का इम्पैक्ट कहें, उसका कहीं ना कहीं जो है हमें ये परिणाम जो है वो देखने को मिल रहा है और उसी के कारण ये बहुत नज़दीकी मुकाबला है। ये पूरा 2020 मैच हुआ, बिल्कुल आखिर तक पता नहीं था, जब लास्ट राउंड था कि अंतिम समय पता नहीं सराज का डब्बा खोल के, तो आज सभी लाइव करा था सर, और एक बार तो मतलब जो मार्जिन था वो 18 के तक आ चुका था, एक बार मेरे को अपडेट आई तो सिर्फ 18 का मार्जिन रह गया था दोनों के बीच में, ये हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नज़दीकी हार से निश्चित तौर पर भाजपा निराश होगी कि हल्की सी मेहनत उन्होंने कर ली होती तो आज परिस्थितियां और होती। दूसरी तरफ कांग्रेस को कहूंगा, हमने पहले कहा था उसके बाद कोने को कुछ नहीं है और अब इतना कुछ मिल गया है, इस सब समेटने की ज़रूरत है। सर जो ये लीड मिली है 17 विधानसभा क्षेत्रों में मंडी पार्लियामेंट्री के, इसमें सबसे चौंकाने वाले आपको कहाँ का रिजल्ट लगा? देखिए हमने पहले भी विश्लेषण में साफ कहा था मुकाबला है सराज और रामपुर का और लगभग बराबर रहे हैं, आपका रामपुर से 19600 की लगभग लीड है और सराज से 21 कुछ की है, तो इन दोनों के बीच सराज को जब रामपुर ने काट दिया और मंडी ज़िला से उस आधार पे लीड नहीं आई जो फीडबैक सीएम को दिया जा रहा था, भाजपा को उससे करारा झटका लगा है और उसी का परिणाम है कि आप जीतते जीतते भी अंत में हार गए। जी सर, बल की भी अगर हम बात करें तो बल में भी बीजेपी को ज़्यादा उसमें आगे नहीं, 22875 मिले हैं बीजेपी को और 21919 मिले कांग्रेस को, बहुत ही क्लोज फाइट था। मंडी ज़िला में कहीं से भी ऐसी कोई लीड नहीं है जिसका मैं इस शो में बखान करूं। सराज को छोड़ के सभी अंडर मतलब कि लो ग्रेड में आए हैं सभी लोग, चाहे सुंदरनगर की बात कर लें, सदर ने बेहतरीन परिणाम दिए, 3000 के करीब लीड सदर ने दिया जहाँ पर कोई नेता नहीं है भाजपा का, लेकिन बाकी तो स्थापित नेता थे आपके पास, थोड़ी इज्जत आपकी जोगिंदरनगर ने बचाई है। दूसरी तरफ देखिए आप आनी को देख लीजिए, आप 7000 की लीड दे जाता है कांग्रेस को, भरमौर 7000 की लीड दे जाता है मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में, जिला मंडी में हमें 7000 का आंकड़ा ढूंढने के लिए पूरी लिस्ट इधर से भी उधर से भी देख ले, कहीं नहीं मिलती, तो निश्चित तौर पर जिला मंडी से वो सहयोग नहीं मिला है और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है।
एक और फैक्टर सर लोग लिख रहे हैं इस काफी 13,388 वोट नोटा पे पड़े हैं, तो ये नोटा तो नहीं कोई खेला होबे वाला गेम खेल गया कहीं? देखिए अब जितनी करीब हार है उसके बाद सबकी नज़र नोटा पे जा रही है कि जितनी हार हुई उतनी तो नोटा वोट ले गया, लेकिन नोटा की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के लिए खतरा है। मेरा मानना है लोकतंत्र में बहिष्कार शब्द नहीं होना चाहिए, नोटा का दूसरा अर्थ ही बहिष्कार है। सही बात, जबकि आपको समर्थन करना चाहिए लोकतंत्र में, अपने मत का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जिस स्तर पे लोगों का रुझान नोटा की ओर बढ़ रहा है, राजनीति के लोगों का खासकर युवा वर्ग का मोह भंग हो रहा है, वो चिंतनीय है। इस पर सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि ऐसा क्या कारण है जो इतना, उसके पीछे कई कारण है, स्वर्ण समाज का भी आह्वान था, बेरोजगार संघ का, कई कर्मचारी संस्थाओं का रहा, सभी का था कि हम नोटा दबाएंगे नोटा दबाएंगे, हालांकि उतना असर नजर नहीं आया। लेकिन भविष्य में जिस गति से नोटा बढ़ रहा है तो दो उम्मीदवार के बाद तीसरा ये भी हुआ करेगा मैदान। जो एग्जैक्ट जो लीड आई है वो 7,490 है, 7,490 मतलब जिसमें लगभग डबल नोटा पे पड़ गए, इसे डबल नोटा में पड़ गए, तो ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने भी उतनी गंभीरता की चीज़ों को नहीं लिया, उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जब हमारी बात होती थी राजनीतिक दलों से तो कांग्रेस कहती थी हम कड़े मुकाबले में हैं, जबकि भाजपा का मानना था कि मुकाबला है लेकिन हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। वो जो इजी जो कैजुअल जो वे था वही मुझे लगता है उन पर भारी पड़ा है, और कारगुजारी देखनी पड़ेगी हमें मंत्रियों की, इनके चेयरमैन की। आप उनके बूथ के आंकड़े देखिएगा, चौंकाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमें लगता है भाजपा को भी देखना होगा कि जिन लोगों पे जवाबदेही है, जिन लोगों पे जिम्मेवारी है, उनके बूथों पे क्या हालात है। विधानसभा तो बहुत दूर की बात है, तो ये सब देखिए, माजरा पूरा समझ आएगा। और सबसे बड़ी बात है महंगाई भी इस पूरे खेल में खेला खेल गई है। भाजपा बहुत बचती रही महंगाई से, लेकिन ये असलियत मुख्यमंत्री ने आज स्वीकारी है कि महंगाई मुद्दा था, और भाजपा अंदर से डरी हुई थी महंगाई के मुद्दे पे लेकर के, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण रहा। वोटर परसेंटेज बढ़ाने के लिए भाजपा ने काफी जोर लगाया था जिस दिन इलेक्शन थे, और कहीं ना कहीं उनको उसी दिन लगने लग गया था कि हमारे वोटर्स कम निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जितना ज़्यादा वोट बढ़ता भाजपा को फायदा होता, और कांग्रेस को निश्चित तौर पे, हालांकि उपचुनाव के हिसाब से देखा जाए तो मत प्रतिशत बढ़ी है, बिल्कुल 50% था पिछली बार उपचुनाव में, इस बार ज़्यादा बढ़ा है। तो अभी तक हालात ऐसे हैं कि एक नज़दीकी हार, हार तो हर आदमी सहते हैं, लेकिन नज़दीकी हार कहीं ना कहीं गहरा जख्म भाजपा को दे गई है, क्योंकि दिल में रहता है अगर थोड़ा सा आगे निकल गए होते तो शायद आप परिणाम कुछ होते। दूसरी तरफ कांग्रेस, कांग्रेस मुझे लगता है चमत्कारिक वापसी हो गई है, जिस कांग्रेस 10-0 से चित थी जिला मंडी में, जिस कांग्रेस को हरा कर कंटिन्यू जब से जीते तब से ये नगाड़े और ये जो सुनाई दे रहा है तब से कंटिन्यू बज रहा है। देखिए ये जो जीत है ये संजीवनी का काम कर रही है, कैडर लगभग आज छोड़ चुका था कांग्रेस का, और अब जो आने वाला रण है वो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को जीत की गंध आ चुकी है, और भाजपा को एक बार फिर से मिशन रिपीट का इतिहास दोहराने के लिए जाल लगानी पड़ेगी। और हिमाचल का मतदाता अब तक अलग ही अंदाज से वोट करता रहा है, और इस उपचुनाव में भी, हालांकि मंडी का विधायक कभी विपक्ष में नहीं बैठा है, ये पहली बार होगा कि मंडी का कोई जो हमारा सांसद है दिल्ली में वो विपक्ष में बैठेगा। विपक्ष में बैठेगा, बिल्कुल, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, क्या लगता है गाज गिर सकती है किसी पे इस पूरे प्रकरण जो ये हार हुई है बीजेपी की? बीजेपी हाईकमान देख रहा होगा दिल्ली में, नड्डा जी देख रहे होंगे, अमित शाह जी देख रहे होंगे, क्या लगता है कि कुछ फेरबदल हो सकता है और दूसरा ग्रुप भी एक्टिव हो गया इस टाइम? देखिए मुझे लगता है भाजपा की अंदरूनी राजनीति है, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी बात बोली है कि इस चुनाव में कुछ लोग अंदर रहकर भी अंदर नहीं थे, उसका मतलब साफ है कि कोई भीतरघात का इशारा भी है। तो अब ये उनका घर है, उन्हें झांकना है, उन्हें सफाई करनी है। हम तो विश्लेषक है, हमारा काम तो हमने पहले भी जो हमने कहा था, हम जैसा आम आदमी जब जनता की नब्ज समझ रहा है, सरकार के पास इतना सिस्टम है वो क्यों नहीं समझते, हमें समझ नहीं आती। निश्चित तौर पे बड़ी कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। दूसरी तरफ कांग्रेस के बाद चुनौती है जोश को बरकरार रखने की, और एकजुट होकर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन विधानसभा में परिस्थिति अलग होगी, एक टिकट होगा, 10 दावेदार होंगे, दोनों दलों में क्या होगा ये देखने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पे इन परिणामों ने एक बात बता दी कि जनता किसी को नहीं मानती, जनता अपने दिल की करती है, और लोकतंत्र में एक ही राज चलता है, वो जनता का राज है, और जब वो वोट डालती है
उसके बाद बड़े से बड़े तख्त हिलते हैं। तो तख्त और ताज हिल जाते हैं जब जनता वोट डालती है। और यही इसी पॉइंट के साथ हम ख़त्म करेंगे आज के विश्लेषण को। और पंकज सर हमारे साथ बने हुए थे, मैं आपको बता दूं वरिष्ठ पत्रकार है, काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स में काम कर चुके हैं, अखबारों में काम कर चुके हैं, ब्यूरो हेड रह चुके हैं और प्रेजेंटली दैनिक भास्कर के ब्यूरो हेड हैं मंडी से। सर इतना बढ़िया विश्लेषण किया आपने, और फिर से चुनाव आएंगे, फिर बैठेंगे कभी बीच में, चुनाव के अब ऐसे ही कभी बीच बीच में कर लिया करेंगे। और अभी तो भाजपा का मंथन चलेगा तो उस पर भी देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पे निकल के आता है सामने। सर बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतना समय देने के लिए। और इसी के साथ आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं, आप लोग दिवाली मनाएं और सेफ रहें, हमारा ये आपसे संदेश है। और चुनाव खत्म हुए, अब मुझे लगता है कि सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लगता है कोरोना भी कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है, इससे मुझे आपके भी तरफ से संदेश हो और मेरा भी धन्यवाद। धन्यवाद जी, और जय हिंद, और दीपावली की आप सभी को हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। और ये इलेक्शन सीरीज़ आपने इतनी इंजॉय की, इतने ज़्यादा शेयर हुए, और मुझे लगता है सभी चैनलों में सबसे ज़्यादा अगर कोई विश्लेषण और ये देखे गए तो हमारे चैनल के देखे गए, आज का लाइव मेरा बहुत ज़्यादा देखा गया है पूरे हिमाचल में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हैप्पी दिवाली, जय श्री राम, जय हिंद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।